अभी आपको मालूम है कि YouTube में सबसे ज्यादा क्या ट्रेंड कर रहा है? आपने कई सारे यूट्यूबर को देखा होगा जिसकी साउंड कट कट के आती है, लाइक टेक्निकल, या फिर आप मेरा एग्जांपल ले सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी साउंड होती है वो काफी ज्यादा अवेसम बनती है और सुनने में काफी ज्यादा मजेदार लगता है। तो वो भी कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा मोबाइल से। तो गाइस, वीडियो देख के तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि किसी भी वीडियो के लिए साउंड क्वालिटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना गाइस। मेरे को अच्छे से पता है कि एडिटिंग के टाइम हम अधिकांश तो अधिकतर फोकस होता है वो सिर्फ वीडियो क्वालिटी पर ही देते हैं और अपने ऑडियो को वैसे ही छोड़ देते हैं, उसे कुछ भी एडिट नहीं करते हैं। और वही चीज बाद में जाके हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। बट डोंट वरी गाइस, अभी तो हम सीख ही जाएंगे कि साउंड को कैसे एडिट करते हैं। तो चलिए मैं आज आपको एक अच्छे लेवल की साउंड क्वालिटी एडिट करना सिखाता हूँ। हाय दोस्त, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग चैनल पीके टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, एक प्रोफेशनली साउंड को एडिटिंग करने के लिए मैंने टोटल इसे 3 कैटेगरी में रखा है। पहले कैटेगरी में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वीडियो को प्रोफेशनली शूट कर सकते हो जिसकी वजह से जो आपका कट कट का जो साउंड आता है वो प्रोफेशनली आए। साथ ही साथ मैं उसमें बताऊंगा कि जो कट कट के जो साउंड आता है उसको एडिट कैसे किया जाता है। दूसरी कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो साउंड है उससे बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हो और साउंड को अट्रैक्टिव बना सकते हो। तीसरी कैटेगरी वो सबसे अमेजिंग है गाइस, इसमें मैं आपको टोटल पूरी तरह से फिनिशिंग साउंड को एडिट करना सिखाऊंगा जैसे मैं करता हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले कैटेगरी में हम सीखते हैं कि वीडियो को कैसे शूट करते हैं। तो गाइस, जब तक आपकी वीडियो की जो शूटिंग है अच्छी तरह से नहीं होगी तब तक आप एक बेहतर ढंग से साउंड क्वालिटी को एडिट नहीं कर पाओगे। जी हां, तो एक्चुअली मैं आपको वीडियो को कैसे रिकॉर्ड करना यही मैं आपको बता रहा हूं अभी। ओके, तो देखो गाइस, आपको करना क्या होगा, जब भी आप अपनी वीडियो को शूट करते रिकॉर्ड करते ना तो आपको रुक रुक के रिकॉर्ड करना होगा। सपोज कि एक डायलॉग है गाइस, अगर आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सपोज कि आप यही बोलना चाहते हैं तो आपको इसे शूट कैसे करना यही मैं बताता हूं, जिससे जो कट कट की जो साउंड आती है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग बनती है। आपको शूट कैसे करना है, आपको ब्रेक ले लेके शूट करना है, रुक रुक के शूट करना, गैप लेना। जैसा कि गाइस, अगर आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हो ना तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे करके आपको शूट करना। ओके, तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको जो कट कट की जो साउंड आती है कैसे आती है वो मैं आपको एडिटिंग करना सिखाता हूँ। चलता हूँ मैं सबसे पहले काइन मास्टर में। ये रहा हमारा काइन मास्टर ऐप, इसको मैं ओपन करता हूँ, कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं अपनी एक वीडियो को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ जिस वीडियो को मैं बनाना चाहता हूँ। सपोज कि ये रहा हमारा वीडियो, तो करना क्या, सबसे पहले आपको वीडियो पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद नीचे करके आना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, तो आपको सिंपली इससे एक्सट्रैक्ट कर देना। ओके, इतना करने के बाद करना क्या है, आपको पूरी वीडियो को इस तरह से जूम कर देना है, जूम इन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राफ बन के दिखाई दे रहा होगा, ग्राफ आपको करना क्या है, जहाँ पे ग्राफ मतलब शो नहीं होता उसको काट देना है। सपोज कि देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है इस पर ग्राफ शो नहीं हो रहा है, तो हम करेंगे क्या, ग्राफ को सिंपली यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के लिए पहले करना क्या, आपको नीचे पे क्लिक करना होगा, उसके बाद मतलब ऑडियो वाले पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ट्रिम स्पीड को, तो सिंपली उस पर क्लिक करके स्पीड प्लेड कर देना, सेम वीडियो को इस तरह करके कट कट करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली इस पर टाइप करना, इसे डिलीट कर देना साइड साइड से। ओके, एक बार मैं और बताता हूँ, जहाँ पे ये ग्राफ शो हो रहा है ना वहाँ पे आप बोल रहे हो, और जहाँ पे ये ग्राफ शो नहीं हो रहा है, लाइक यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, यहाँ पे आप मतलब कुछ भी नहीं बोले, यहाँ पे गैप लिए, तो आपको करना क्या है, जहाँ पे आप गैप लेते हो ना उसी को कट करके हटा देना, ऑडियो पे क्लिक करना है, इस तरह करके ऑडियो पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे करना है, स्प्रीट जो ट्रिम का सिंपली स्प्रीट इस प्ले पे क्लिक कर देना। भी सिंपली इस टाइप से कट लगा के डिलीट कर सकते हैं, मैं फटाफट इसको करके दिखाता हूँ। ओके, तो गाइस अभी आप इस साउंड को सुन के देखिए कि कैसे एडिट हुआ, अभी पूरी तरह से एडिट नहीं हुआ, इसका एक पार्ट भी नहीं हुआ। गाइस, अगर आप मेरे YouTube चैनल पहली बार आए हो ना प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। में क्या है गाइस, सबसे पहले आपको दो ऐप की जरूरत पड़ेगी। पहला ऐप का नाम है MP3 कटर। आपको करना क्या, सिंपली चले जाना होगा प्ले स्टोर में, अदरवाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आपको यहां पे सर्च करना होगा MP3 कटर। ओके, MP3 कटर, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, एक सेकंड में नेट को ओपन कर लेता हूँ, ट्राई अगेन। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो आपको करना क्या, यहाँ जो ऑडियो MP3 कटर दिख रहा है ना, मिक्स कन्वर्टर, आपको सिंपली उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना। दूसरी ऐप की भी जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर सर्च बार में नहीं आ रहा है तो देख लेना। तो सिंपली करना क्या है, इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद आपको पूरी तरह से बैक आ जाना है और यहाँ पे आपको ओपन करना है ऑडियो MP3 कटर को। ओके, कटर को ओपन करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है, आपको करना क्या, नीचे कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा वीडियो टू ऑडियो, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी जो अभी आपने वीडियो को एक्सपोर्ट किया था ना उस वीडियो को सिंपली यहाँ से चूज कर लेना, चूज करने के बाद आपको करना क्या, ऊपर का जो आइकन दिख रहा है आपको सिंपली उस पर टाइप कर देना है, टाइप करने के बाद यहाँ पे जो
इस पे टाइप कर लेना और यहाँ पे MP3 को चूज कर लेना और सिंपली से ओके कर देना। अभी जो आपका ऑडियो है वो अलग हो चुका है, अभी हम ऑडियो को सिर्फ एडिट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे वीडियो से ऑडियो को अलग करने के बाद करना क्या है, आपको लेक्सिस ऐप को ओपन कर लेना होगा। ये रहा हमारा लेक्सिस ऑडियो एडिटर, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको ऊपर ओपन का ऑप्शन दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या, ये वाले फाइल पे क्लिक कर देना, पूरी तरह से क्लिक कर देना, यहाँ पे हमारा सारा कुछ बैक आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अपनी ऑडियो को यहाँ पे चूज कर लेना, वो ऑडियो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखेगा ऑडियो एडिटर कटर, तो सिंपली गाइज आपको उसी पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे लिखा है वीडियो टू ऑडियो, अभी हमने इसी को किया था ना, आपको सिंपली इस पर टाइप कर देना, उसके बाद सिंपली से ओपन कर देना होगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा गाइस, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ इस तरह का रहेगा। ओके, तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपली करना क्या, यहाँ पे कोना में क्लिक करना, इफेक्ट्स पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद नीचे नीचे करके आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा नॉइस रिडक्शन का, तो आपको सिंपली इस पर टाइप करके इसे अप्लाई कर देना। यहाँ पे क्या होगा गाइज कि जो आपकी जो साउंड है उसकी जो सारी नॉइस है वो हट जाएगी, ऑटोमेटिक ही हट जाएगी। आपको और कुछ नहीं करना, सिंपली से सेव कर देना, यहाँ से सेव पे क्लिक करके सेव, ऑटोमेटिक ये सेव हो गया। अब जो हमारा दूसरा कैटेगरी का काम था वो भी कंप्लीट हो गया। जो लास्ट हमारा काम बचता है वो है कैटेगरी 3 का काइन मास्टर से, तो आपको करना क्या, सिंपली काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। ओके, तो ये रहा हमारा काइन मास्टर ऐप, जिस तरह हम ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या, क्रिएट यू पे क्लिक करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको करना क्या, पहले एक्सपोर्ट में जाना और सेम वीडियो को लेना। ओके, सेम वीडियो को लेना, वीडियो यही था हमारा। पहले करना क्या, आपको इसकी जो साउंड है ना उसको पूरी तरह से म्यूट कर देना है। इसके लिए आपको वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पे साउंड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको करना कैसे म्यूट कर देना है, फिर पूरी तरह से कम कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो साउंड है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ऑडियो पे क्लिक करना है, ऑडियो पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको फोल्डर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो आपने लेक्सिस ऐप से वीडियो का जो नॉइस रिडक्शन किया था, जिस भी फाइल में आपने सेव करके रखा है उस फाइल को सिंपली आप ओपन कीजिए। लाइक मैंने मोज मीडिया में सेव करके रखा था, तो मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। अभी मैं करूँगा क्या, देखिए यहाँ पे ऑडियो पूरी अच्छी तरह से फिट हो गई, आप अच्छी तरह से सुन सकते हो। ओके गाइस, ऐसे आने के बाद आपको करना क्या, सिंपली ऑडियो पे क्लिक करना होगा, रिवर्स का जो ऑप्शन मिल रहा है रिवर्स का, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टूडियो का, तो आपको सिंपली स्टूडियो पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको करना क्या, फिर से ऑडियो पे क्लिक करना, यहाँ पे अपने हिसाब से साउंड को ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो, अगर कम है तो फिर हाई कर सकते हो, अगर हाई है तो इसे कम कर सकते हो, अपने हिसाब से रख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने साउंड को ना बेस्ट क्वालिटी में कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार यहाँ पे। ओके, और हाँ बगल में आपको दो वीडियो मिल रहे, तो आप किसी पे भी क्लिक करके देख सकते हो, काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।